कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में पड़ोसी ने 4 करोड़ रुपए तावान के लिए 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुलजम आताई डॉक्टर ने बच्चों को बेहोशी की दवाई देकर गला दबाकर मार डाला। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने बच्चों को अगवा करने के बाद तशद्दुद भी किया, वालिद का दावा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में शिबली फराज और उमर अयूब समेत दीगर मुलजमान की जमानत कन्फर्म कर दी। आजम स्वाती की ATC से उबूली जमानतें ट्रांसफर कराने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजर आलम मियां खेल आज सुप्रीम कोर्ट के एडहाक जजेस का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों जजेस से हल्फ लेंगे। आड़ी से PTI के आरकान असम्बली 2 भाइयों के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुलजमान पर सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करने और सरकारी अराजी पर कब्जे करके फरोख्त करने के इल्जाम। महंगाई और बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी का 31 जुलाई को कराची में धरने का ऐलान। लाहौर पिशावर और कोयटा में भी धरनों के इशारे। लाहौर में पुलिस ने जमात इस्लामी की खवातीन को रावलपिंडी जाने से रोक दिया। जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनान ने मंसूरा मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का इम्कान।